तो देखिए काट के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है और कितना जूसी बना है, देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले कढ़ाई गरम करके एक चम्मच घी डाल देना है, उसके बाद एक कटोरी सूजी, इसको भून लेना है और ज़्यादा नहीं भूनना है, कलर चेंज नहीं करना है, मीडियम आंच से ही भून लेना है। तो देखिए सूजी भुना गया है, अब इसको एक बर्तन में निकाल लेना है। तो देखिए कढ़ाई में दो कटोरी दूध डाल देना है, अगर दूध कम है तो एक कटोरी दूध और एक कटोरी पानी भी डाल सकते हैं। जब दूध गर्म हो जाए तो इसमें चार चम्मच चीनी डाल देना है और उबाल आने तक इसको मिलाते जाना है। तो देखिए दूध में उबाल आ रहा है, अब सूजी को डाल देना है धीरे धीरे करके और मिलाते जाना है। और इसी तरह से मिलाते जाना है। तो देखिए आटा का डो जैसे बन गया है, अब इसको उतार लेना है। तो देखिए एक प्लेट में निकाल के रख दिए हैं, अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। तो चलिए जब तक ये ठंडा होता है तब तक चाशनी बना लेते हैं। तो देखिए एक कटोरी सूजी लिए थे तो एक कटोरी चीनी का इस्तेमाल करना है और एक कटोरी पानी। तो इसको इसी तरह से मिलाते रहना है ताकि नीचे चिपके नहीं। तो देखिए चाशनी बनकर तैयार है, और इसको तार नहीं बनाना है, सिर्फ चिपचिपी करना है। तो देखिए जब ठंडा हो जाए सूजी तो इसको थोड़ा सा ऐसे घी देके इसको मसल लेना है, अच्छा से मिला लेना है, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, हल्का गर्म ही होना चाहिए। तो देखिए इसी तरह से चिकना डो लगा लेना है। तो देखिए इसी तरह से घी थोड़ा सा लगा लेना है हाथ में, तेल भी लगा सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से नींबू का आकार का उतना लेके इसी तरह से गोल कर लेना है और इसी तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना है इसी तरह से। तो देखिए इसी तरह सब बना लेना है। तो चलिए इसको आप छान लेते हैं। तो देखिए तेल गर्म हो जाए तो इसको डाल देना है, अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाए तो आंच को मीडियम कर लेना है और मीडियम आंच से ही इसको छान लेना है। जब नीचे अच्छा से छना जाए तो इसको धीरे धीरे पलट लेना है, और इसको कच्चा नहीं पलटना है नहीं तो टूट भी सकता है। तो इसको हल्का सुनहरा होने तक छान लेना है। तो देखिए हल्का सुनहरा हो गया, अब इसको उतार लेना है, अब चाशनी में डाल देना है। अगर चाशनी ठंडा हो गया है तो उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो देखिए इसको इसी तरह चाशनी में डाल के 20-25 मिनट तक छोड़ देना है। तो देखिए सूजी की रस भरी रेसिपी बनकर तैयार है। तो देखिए काट के दिखाते हैं कितना सॉफ्ट बना है और कितना जूसी बना है, देखिए, और खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी बनाइए और कैसा लगा बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले रेसिपी में।